मैं यहाँ देवराज इंद्र होने के नाते नहीं, आपके मित्र के रूप में उपस्थित हुआ। आज आपकी मित्रता की परीक्षा है कामदेव। तारकासुर संपूर्ण सृष्टि के लिए एक संकट तो बन ही गया था, उससे भी बड़ा एक महासंकट तो देवराज इंद्र अब स्वयं उत्पन्न करने जा रहे थे। अब एक ओर जहाँ सभी देवताओं को माता पार्वती और महादेव के पुनर्मिलन की प्रतीक्षा थी, वहीं दूसरी ओर अट्टासुर, जिसे माता आदिशक्ति के जन्म के बारे में ज्ञात हो चुका था, वो अब उसकी सूचना किसी भी प्रकार से तारकासुर तक पहुंचाना चाहता था। आदिशक्ति, अब वो समय दूर नहीं जब मैं महाराज तारकासुर के समक्ष प्रस्तुत होकर उन्हें आपकी सूचना दूंगा, और तब आप सुरक्षित नहीं रहेंगी। आपका अंत समय अब निकट है, क्योंकि मेरे स्वामी आपको कदापि जीवित नहीं रहने देंगे। कामदेव, कामदेव, कामदेव! प्रणाम देवराज इंद्र। देवराज, क्या हुआ? आप इतने क्रोधित और चिंतित क्यों प्रतीत हो रहे हैं? देवता संकट में है, और ऐसे समय में भी आप दोनों को नृत्य सूझ रहा है, अद्भुत। क्या आपको तनिक भी चिंता है देवताओं की? देवराज, ऐसा नहीं है कि हमें देवताओं की चिंता नहीं है, किंतु हम दोनों का अस्तित्व ना सिर्फ देवताओं के लिए है, अपितु संसार के संपूर्ण प्राणियों के लिए भी है। हमारे नृत्य संगीत से ही संसार भर में कामनाओं का विस्तार होता है, और संसार के समस्त प्राणी अपने काम के वशीभूत होकर अपनी प्रजनन क्रिया को संपन्न करते हैं, और इसी प्रकार संसार का चक्र आगे बढ़ता है। देवराज, आप इतने चिंतित निरुत्साहित क्यों लग रहे हैं? क्या बात है? अंत निकट, शीघ्र ही संसार का अंत होगा, फिर तो ना संसार होगा, ना जीव होंगे और ना ही देवता। देवराज, ये आप क्या कह रहे हैं? संसार नष्ट होने वाला है? मैं कुछ समझा नहीं। आप कामदेव, संसार के प्राणियों में आप काम की भावना उत्पन्न करते हैं, उसे नियंत्रित करते हैं, इसलिए मैं आपसे अपने एक प्रश्न का उत्तर चाहता हूं। जहां पर काम की भावना की अत्यंत आवश्यकता है, वहां विरक्ति का भाव क्यों? यदि महादेव और माता पार्वती का विवाह होगा, तभी तो उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, और वही महादेव का पुत्र तारकासुर का अंत करेगा, और हम सभी कितने समय से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तो महादेव तो माता पार्वती की ओर देखते भी नहीं, वो तो संसारिक भावनाओं का तज कर अत्यंत गहन ध्यान में विलीन है। इस प्रकार महादेव और माता पार्वती का विवाह कैसे संपन्न होगा? इसलिए अब आपको कुछ करना ही होगा। कामदेव, आप ही बताइए, मेरे मुख से ये चिंता सुनकर क्या आपको अभी भी विश्वास है कि आप अपना कर्तव्य पूर्ण रूप से निभा रहे हैं? कामदेव, आपको महादेव के भीतर काम और आकर्षण जागृत करना ही होगा। काम और आकर्षण जागृत करना ही होगा। देवराज, कामदेव अवश्य हूं मैं, किंतु मेरी भी कुछ सीमाएं हैं। जो योगी अपने तप से, अपनी साधना से अपने मन को वश में कर लेता है, उन पर मेरा कोई प्रभाव नहीं होता। और फिर आप तो महादेव को प्रभावित करने की बात कर रहे हैं। महादेव जो महायोगी हैं, जो आदि योगी हैं, उनके मन में काम भावना जागृत करना, मैं ये कैसे संभव कर सकता हूं? मैं विवश हूं देवराज, मुझे क्षमा करें, मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। ये
महाराज छोड़ो मुझे छोड़ो। कौन है ये भिक्षुक? अति शीघ्र बाहर निकालो इसे। महाराज मेरी बात सुनिए, महाराज मेरी बात सुनिए, महाराज भिक्षुक नहीं अट्टासुरु में, अट्टासुर महाराज, अट्टासुर महाराज, अट्टासुर, अट्टासुर, अट्टासुर। रुको, अट्टासुर, ये कैसे संभव है? तुम्हारा तो अंत हो गया था। हाँ, मेरी मृत्यु हो गई थी महाराज, किंतु फिर पुनः पुनर्जीवित किया गया मैं। किंतु मरे हुए को कौन जीवित करता है मूर्ख? महाराज देवी आदिशक्ति, देवी आदिशक्ति। हाँ महाराज, और देवी आदिशक्ति का जन्म हो चुका है, वो भी एक मानव रूप में। अब तो वो 16 वर्ष की आयु भी प्राप्त कर चुकी है। आप सावधान हो जाइए महाराज, शीघ्र उन देवी का कुछ उपाय। हमें क्षमा कीजिए देवराज, किंतु ये कार्य इतना सरल नहीं, इसीलिए स्वामी का इस कार्य को अस्वीकार करना ही उचित था। प्रसन्नता मुझे मात्र इस बात की है कि आप स्वामी की विवशता समझ सके। दाता की परीक्षा दुर्भिक्ष में और एक शूरवीर की परीक्षा रणभूमि में, एक मित्र की परीक्षा आपत्ति के समय में, और एक स्त्री की परीक्षा उसके पति के असमर्थ होने में ही होती है। मैं यहां देवराज इंद्र होने के नाते नहीं, आपके मित्र के रूप में उपस्थित हुआ हूं, और मैं आपसे मात्र मेरी ही नहीं समस्त देवताओं की सहायता की याचना कर रहा हूं। आज आपकी मित्रता की परीक्षा है कामदेव। नहीं स्वामी, नहीं। मित्र इंद्रदेव, यदि मैं समर्थ होता तो मैं आपकी सहायता अवश्य करता। यदि आप मुझे ये आकर के कहते कि कोई तप करके आपका सिंहासन पाना चाहता है, तो मैं अपनी समस्त शक्तियां झोंक कर उसकी तपस्या भंग करने का प्रयास करता और आपके सिंहासन की रक्षा करने में आपका सहायक बनता। किंतु आप तो मुझसे अनुरोध कर रहे हैं कि मैं महादेव की समाधि भंग करने का प्रयास करूं, जो कि असंभव है। यह तो स्वयं जलती हुई अग्नि में हाथ डालने के समान है। मुझे ज्ञात है कामदेव, मैं आपको वो कार्य करने के लिए कह रहा हूं जो असंभव है, किंतु इस असंभव को संभव करने से ही देवताओं की रक्षा संभव है। क्योंकि ताड़कासुर का अंत महादेव और माता पार्वती का वो पुत्र करेगा जिसका जन्म महादेव के भीतर माता पार्वती के प्रति उत्पन्न होने वाले काम भाव से होकर। और ये कार्य आपकी सहायता के बिना सर्वथा असंभव। दृष्टता क्षमा कीजिए देवराज, परंतु आप ये समझने में असमर्थ क्यों हैं कि महादेव महायोगी हैं, माता पार्वती उनके निकट है, फिर भी उन्हें उनकी उपस्थिति का आभास भी नहीं हो रहा, अर्थात उन्हें अपने भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण है। ऐसी अवस्था में स्वामी का सर्वाधिक शक्तिशाली बाण भी महादेव को प्रभावित नहीं कर सकेगा। आप मित्रता और धन परायणता की गुहार लगा रहे हैं, परंतु महादेव पर बाण तो मेरे पति को साधना है। यदि महादेव पर उस बाण का कोई प्रभाव नहीं हुआ तो, और महादेव का क्रोध जागृत हो गया तो महादेव की क्रोधाग्नि से मेरे स्वामी की रक्षा कौन करेगा? देवी रति, आप व्यर्थ में ही चिंता कर रही हैं।
मैं स्वयं वहां देवताओं के साथ उपस्थित रहूंगा। मेरा विश्वास कीजिए, कामदेव को कोई हानि नहीं होगी। नहीं, मैं निश्चिंत होने में असमर्थ हूं। ये तो स्त्री स्वभाव के अनुरूप है, नारी सदा पुरुष को दुर्बल ही बनाती है। देवी रति का व्यर्थ कप है और उनकी आशंका मेरी योजना में बाधा उत्पन्न कर रही है। नहीं, मुझे किसी अन्य युक्ति से उनके इस भय को दूर करना ही होगा। देवी रति, आप नारायण की पुत्री हैं, आपको कदापि चिंता नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी आपको चिंता आशंका ऐसे भाव कदापि शोभा नहीं देते। प्रिय रति, देवताओं को हमारी आवश्यकता है और देवराज इंद्र उचित ही तो कह रहे हैं कि तुम तो स्वयं नारायण की पुत्री हो, तुम्हें तो साहस का परिचय देना चाहिए, निश्चिंत रहना चाहिए तुम्हें। मैं निर्णय ले चुका हूँ। नहीं स्वामी, ये आप क्या कह रहे हैं, आप कठिनाई में पड़ जाएंगे। मेरा जाना अनिवार्य है। स्वामी, आपने मेरा श्रृंगार पूर्ण रूप से संपन्न नहीं किया। आपने मेरी मांग को सुहाग के चिन्ह सिंदूर से सुशोभित नहीं किया। देवराज ने कामदेव को मना लिया था, किंतु दूसरी ओर वो अट्टासुर तारकासुर का विश्वास अभी तक प्राप्त नहीं कर सका था। किंतु ब्राह्मण देवता, अट्टासुर तारकासुर के भवन में प्रवेश कर माता आदिशक्ति के मनुष्य योनि में जन्म लेने की घोषणा तो कर चुका था ना? ये तो सत्य है महाराज, किंतु तारकासुर इतनी सरलता से इस सत्य को कहां स्वीकार करने वाला था। ये अवश्य कोई विक्षिप्त बुद्धि है महाराज, कुछ दिवसों से आप पर घात लगाए हुए बैठा था। अच्छा, मृत्यु हो गई क्या तेरी? आगा।
मेरा विश्वास कीजिए महाराज, मेरा विश्वास कीजिए। वो जन्म ले चुकी है, एक मानव शरीर में फल फूल रही है महाराज। मैंने कहा था ना महाराज, ये कोई विक्षिप्त बुद्धि है, कुछ भी अनर्गल बड़बड़ाता रहता है। महाराज, मैं आपका निष्ठावान सेवक हूँ महाराज, मैं सत्य कह रहा हूँ महाराज, वो वहाँ है महाराज, मुझे एक अवसर दीजिए महाराज, कृपया करके मुझे एक अवसर दीजिए महाराज, मैं स्वयं आपको ले चलूंगा कुल देवी आदि शक्ति तक, मेरा विश्वास कीजिए महाराज। उन्हीं के कारण मेरी मृत्यु हुई है, 16 वर्षों तक मैं मृत्यु पड़ा रहा, उन्हीं के कारण जीवन प्राप्त हुआ है। किंतु अब उन देवी का काल बनूंगा मैं, मुझे एक अवसर दीजिए। वैद्य के पास ले जाओ इसे, चिकित्सा कराओ इसकी। चिकित्सा इसकी क्यों महाराज? यदि मान भी ले ये वास्तव में अट्टासुरी है तो भी इससे हमें क्या लाभ? अवस्था देखी आपने इसकी महाराज। रात्रि सुर शैल पुत्री का वध करने के निरंतर प्रयास किए हैं मैंने, स्वयं मैंने उसका अंत करने का प्रयास किया, किंतु मैं उसका राजभवन भी नहीं ढूंढ पाया। कहां गया ये राजभवन? किंतु ये अट्टासुर ये इतनी दृढ़ता से कह रहा है कि इसने शैल पुत्री को अपने नेत्रों से देखा है, और यदि यह सत्य है तो इसका स्वस्थ होना अति आवश्यक है, और उसके उपरांत मैं करूंगा उसका अंत। मैं तारकासुर संपूर्ण सृष्टि के लिए एक संकट तो बन ही गया था, उससे भी बड़ा एक महासंकट तो देवराज इंद्र अब स्वयं उत्पन्न करने जा रहे थे। इंद्रदेव कामदेव के साथ उसी गुफा की ओर बढ़ रहे थे जहां महादेव समाधि में लीन थे, और संयोगवश वहां एकमात्र माता पार्वती ही महादेव की सेवा हेतु उपस्थित थी। कामदेव, ये वही गुफा है जहां महादेव स्थित है, और इस समय माता पार्वती भी वहीं पर है। उचित है देवराज, किंतु यहां से गुफा के भीतर तक देख पाने में मैं असमर्थ हूं, हमें और निकट जाना चाहिए। और निकट जाना होगा, किंतु मैं तो गुफा से सुरक्षित दूरी पर रहना चाहता था। क्या हुआ देवराज? हाँ, कुछ नहीं कामदेव। कामदेव, आप तो अपने बाणों से लक्ष्य साधने में निपुण हैं। आप बेकार में चिंता कर रहे हैं, आप यहीं से अपने बाण चलाइए ना। देवराज, मैं कोई धनुर्धारी योद्धा नहीं हूं, मैं अपने बाणों का लक्ष्य साधकर प्रेम और अनुराग जागृत करता हूं, इसलिए अनिवार्य यह है कि मेरे बाण जिस पर लक्षित हूं उस पर मेरी दृष्टि अवश्य होनी चाहिए। महादेव पर दृष्टि साधे बिना मैं अपना बाण नहीं चला सकता। चलिए आइए देवराज। आप उचित कह रहे हैं, किंतु मेरा वहां जाने का क्या औचित्य है?
इसलिए आप ही जाइए, मैं यहाँ स्थित रहकर सचेत रहूंगा और इस स्थान की रक्षा करूंगा मैं। मुझे महादेव के समक्ष भेजकर कदाचित देवराज स्वयं सुरक्षित रहना चाहते हैं। का सिंदूर धुल गया, ये कैसा अपशगुन है। दबाव या भावना में आकर हमें कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, अन्यथा वो स्वयं के लिए घातक हो सकता है। जो होने वाला होता है वो होकर ही रहता है, नियति को तो कोई भी टाल नहीं सकता, अर्थात ब्राह्मण देवता। इस हफ्ते की कहानी में देखिए माता के ब्रह्मचारिणी रूप की कथा विघ्नहर्ता गणेश में।